एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में नई डीन डॉक्टर अनीता मुथा ने कार्यभार संभाल लिया है। मुथा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान अन्य बीमारियों के मरीजों का इलाज भी प्राथमिकता के साथ करना जरूरी है। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। देखिए, प्राथमिकताएं जो है वो सभी मरीजों के लिए, पर कोविड मरीज जो है कोविड-19 के, वो उनको बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हॉस्पिटल में मिलना चाहिए वो देना, समय पर उनका डायग्नोसिस हो तो टेस्टिंग फैसिलिटी को और इम्प्रूव करना, और जो नॉन कोविड मरीज आ रहे हैं ओपीडी में उनको भी सही इलाज मिले, क्योंकि वो जो एक अभी जैसे बात हो रही थी निग्लेक्ट हो रहे हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको सही ट्रीटमेंट देना। और जो अभी सर ने जैसे बताया फ्यूचर प्लान हमें बनाना है, तो जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको, मतलब जितने बेड है हमारे जैसे 400 के आसपास बेड है, उनको सबको एक्टिव करना, जैसे ऑक्सीजनेटेड करना, जैसे अभी 10,000 लीटर का जो टैंक है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3-4 दिन में वो हो जाएगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक परमानेंट उसका जो कनेक्शन है उसको लगाना, और जो 2 फ्लोर में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको कंप्लीट करना, और पूरे हॉस्पिटल को इसके लिए आने वाले समय के लिए तैयार करना।